हर साल आता रहता है। अभी गर्मी आएंगे तो गर्मी की शुरुआत ही हुई है, इससे पहले भी एक बार आग लगी थी तो हम लोगों यहाँ से अपना मतलब गुरुद्वारे जाके रात बिताई थी हम लोगों ने। घर के अंदर तक धुआं इतना ज़्यादा हो गया था, घर घर में यहाँ पेशेंट है, सांस लेने की प्रॉब्लम, हर किसी को चमड़ी रोग है यहाँ पे। मुझे ये लगता है आग लगती नहीं है, लगाई जाती है ये पहले धमाके के बाद आई वो अंदर जो प्रोसेसिंग प्लांट में आग लगी, उसके बाद यहाँ आग लगी। आप सोच के देखो ना दोनों में डिस्टेंस कितना, आग कैसे लग सकती है दोनों जगह एक तरह। ये आग लगाते हैं, लगती नहीं है आग, वो इसलिए लगाते हैं कि इनकी नाकामियों को छुपाने के लिए। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आगे किसी उसको कोई खुलासा ना हो, इंक्वायरी ना हो, इसलिए आग लगा दो कि सारे के सारे प्रूफ है जो मिट जाए, इसलिए आग लगाई जाती है। हम लोग ने गवर्नर साहब को मिला है, हमने प्रधानमंत्री जी को भी लेटर लिख के दे दिया, लेकिन होता कुछ नहीं है, सब कागजी कार्रवाई है। यहाँ के तो जो चुने हुए मेयर है पार्षद है वो भी बोलते हैं कि इस कॉलोनी में कोई समस्या ही नहीं है, वो अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि यहाँ कोई समस्या नहीं है। वो भी देख लें आज समस्या है कि नहीं है, ये गुमराह करते हैं जितने भी यहाँ नेता लोग हैं ना, हम लोगों से वोट लेने के बाद खामोश होकर बैठ जाते हैं। सिर्फ हमारे साथ राजनीति हो रही है डंपिंग रोड को लेकर, और कुछ नहीं हो रहा। ये प्लैंड सिटी है सर, यहाँ पे अलाटमेंट हुई है, नजायज कब्जे नहीं किए हमने यहाँ पे आके, जब हमारे को अलाटमेंट की है तभी यहाँ रह रहे हैं।